ऑफ लाइव विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफ क्लास 10। ओके बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया एंड दैट वाज नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड। उसी के आगे जब आप चलेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा एनसीईआरटी में, दैट इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी पुरानी है, पढ़ेंगे क्या है और एक नई मिडिल क्लास कैसे अराइज की, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। और बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि 5 मार्क क्वेश्चन है डायरेक्टली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन दैट बेसिस, वो बुनियाद जो है ना वो 5 नंबर के क्वेश्चन की, वो आज पढ़ेंगे। तो वो क्या है बच्चों, देखो एरिस्टोक्रेसी आपको पता है वो एक ऐसी क्लास है, एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी हाई क्लास है जो लोग कुछ पॉपुलेशन में तो होते हैं, मतलब कि या तो 100% में से 20% लोग होंगे ऐसे, या 10% लोग होंगे ऐसे जो एरिस्टोक्रेसी वाली क्लास में आते हैं, यानी कि बहुत रिच होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक टर्म में बोलूं तो कैपिटलाइज्ड पीपल होते हैं ये लोग, दैट इज द एरिस्टोक्रेसी क्लास। यानी कि बहुत, आप अगर अपनी भाषा में जानने की कोशिश करें इसे आज की भाषा में, तो ऐसा समझ लो जो लोग लग्जरियस होते हैं, ठीक है, नवाब होते हैं, बहुत रॉयल होते हैं, ठीक, तो ऐसे लोग को एरिस्टोक्रेसी क्लास में बोला जाता है और ये बहुत कम पॉपुलेशन में पाए जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा सत्ता और बहुत ज्यादा एरिया पर इनका हुकूमत चलता था। तो ये कैसे थे, क्या इनका फीचर था, एक दो क्या इनका व्यवहार था, बस ये हमें देखना है जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो देखो, एक बहुत डोमिनेंट क्लास थी ये कॉन्टिनेंट की, और डोमिनेंट दो एरियाज में थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशली हो, ठीक है, लोगों में सिर्फ बात हो, ये दोनों में थी, सोशली भी थी और पॉलिटिकली भी थी। तो ये आपको समझना है। देखो सोशली क्या होता है कि अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और मेरा ये घर सबसे बहुत बड़ा है, बाकी सबका घर मुझसे छोटा है, तो वो क्या हुआ कि मैं सोशली डोमिनेंट हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी सारे लोगों पे धाक जमा रही हूँ कि देखो मेरे पे कितना पैसा है, यू आर हाउ मच पुअर यू आर हाउ मच रिच आई एम। तो लोग मेरी बात भी सुन रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें किसी को जॉब दे रही हूँ, किसी को अपनी जमीन दे रही हूँ काम करने के लिए, किसी को कुछ दे रही हूँ, किसी को कुछ दे रही हूँ, तो वो मेरी एक डोमिनेंसी है जो सोशली फैली हुई है। पॉलिटिकली क्या है कि मेरी इतनी पावर है पैसे की वजह से, या इतना ज्यादा मेरा रुतबा है कि मैं गवर्नमेंट के डिसीजन तक को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं अपने मुनार के डिसीजन तक को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ। तो इनका दोनों था, इनका पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस था काफी और सोशली भी इन्फ्लुएंस था काफी, ठीक है। तो पर ये बहुत कम थे, दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर, ये आप एक और बात जान लीजिए, स्मॉल इन नंबर, ठीक है, बहुत छोटे हुआ करते थे, छोटे मतलब कम हुआ करते थे नंबर में कम। जैसे कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में पढ़ा है ना, 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर फ्रॉम द थर्ड क्लास एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज फ्रॉम द सेकंड एंड द फर्स्ट ग्रेड। तो वही वाली लाइन है ये कि ये लोग बस 10% ही थे पूरे कॉन्टिनेंट में, लेकिन 10% लोगों की डोमिनेंसी देखिए, उनका इन्फ्लुएंस देखिए कितना है। अक्सर ये लोग जो अपने एस्टेट्स थे, मतलब बड़ी बड़ी जगहें, बड़े बड़े कॉलोनीज ये अपने अंदर रखा करते थे, ओन किया करते थे, जमीनें ओन किया करते थे, या तो वो कंट्री साइड में होती थी या फिर टाउन हाउसेस होते थे, ठीक है। अब उसके अलावा इनकी एक रॉयल लैंग्वेज थी, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में भी कि एक रॉयल लैंग्वेज, फ्रेंच को बहुत रॉयल यानी कि ऊंचा माना जाता था। जो लोग फ्रेंच नहीं बोलते थे ना, जो लोग थर्ड एस्टेट के पीपल थे, वो सब पॉलिश ज्यादा बोला करते थे, पॉलिश लैंग्वेज। तो फ्रेंच कौन बोला करते थे, जो बहुत रॉयल थे, जो बहुत रिच थे, तो फ्रेंच को एक रॉयलिटी का सिंबल देखा जाता था। तो ये सारे लोग फ्रेंच बोलते थे, सब फ्रेंच बोलते थे, आपस में किसी पार्टी में मिलेंगे या कहीं गैदरिंग में मिलेंगे तो ये सब लोग फ्रेंच भाषा में बात करेंगे। दूसरा, अक्सर ये लोग आपस में एक दूसरे से कैसे रिश्ते बांधा करते थे, मैरिज टाइज, ठीक है, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है बच्चों की, जो लॉय 16 थे उनकी शादी हुई थी मेरी एंटोनी से। तो मैरी एंटोनी से शादी उन्होंने क्यों की थी, क्यों शादी हुई थी, पुराने जमाने में शादियां ऐसे हुआ करती थी कि भाई मुझे अटैक करना है, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो शादी करी, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी आपकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग एक दूसरे से रिश्ते बांध के रखते थे और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते रहते थे, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहते थे, ठीक। अब ये आपको वैसे भी पता है बच्चों कि जो है, मैं एरिस्टोक्रेसी से ही बात कर रही हूँ अभी, केवल जो वुमेन्स थी ना 19th सेंचुरी की,
वो केवल इसी क्लास की पढ़ा लिखा करती थी, बाकी किसी क्लास की वुमेन्स को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इवन वोट देने का अधिकार तो इन वाली वुमेन्स को भी नहीं था। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन है आपके नेक्स्ट बात का, वो उस पर भी हम आएंगे। पहले आते हैं अपने, ये एरिस्टोक्रेसी हो गया, अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, दैट इज द न्यू मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास है। ये बात तो समझ में आई, अब कौन सी मिडिल क्लास है। 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी, केवल ये दो जगह ऐसी थी जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब दो जगह क्यों थी, क्योंकि बाकी सारे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था लेट 18th सेंचुरी में, पर सबसे बाद में अगर कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वो आया है फ्रांस में और जर्मनी में। तो धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब नेपोलियन ने चीजों को सिंप्लीफाई किया, तब उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हुआ, ट्रेड बढ़िया हुआ, बिजनेसमैन बढ़ने शुरू हो गए, इंडस्ट्रियां बढ़नी शुरू हो गई। अब आप सोचो जब इंडस्ट्रीज लग रही है, ठीक है, आज एक खड़ी हुई, कल 10 खड़ी हुई, परसों 15 खड़ी हुई, जब लोगों ने इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू किया तो उनको वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो वर्कर मिलने शुरू हुए। अब वर्कर कहाँ से आएंगे, वर्कर आएंगे तो वेज दोगे, तो मतलब पैसा मिल रहा है ये देख के लोग आएंगे, तो एक वर्किंग पॉपुलेशन आई। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, 10th में ही आप एक चैप्टर था, फिलहाल नहीं है बोर्ड्स में, लास्ट ईयर से हटा दिया है, दैट इज लंदन और मुंबई पर बेस्ड था, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग लाइफ स्केच दिखाया था कि 19th सेंचुरी में कैसे लोग फार्मिंग छोड़ के इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने आए। तो जो वर्कर की तरह काम कर रहे हो तो कौन सी क्लास आएगी, वर्किंग क्लास। धीरे धीरे करके फार्मिंग छोड़ के लोग वर्किंग करना शुरू कर गए इंडस्ट्रीज में, और उस क्लास को हमने नाम दिया वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास आई इस न्यू मिडिल क्लास की वजह से। ये मिडिल क्लास कौन सी है, वो क्लास जिसने बिजनेस बढ़ाया, जिसने बिजनेस में पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रीज लगाई, बड़े बड़े प्लांट ऐसे लगाए जिससे कि लोगों को काम मिले, ठीक है, अपने फायदे से लगाया था, लोगों को काम मिल गया था। तो लेट 19th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी के बाद वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास में आ गए। और एक चीज और हम बता दें, नेशनल यूनिटी, ये जो पॉइंट लिखा है, नेशनल यूनिटी द आइडिया ऑफ एजुकेटेड लिबरल्स, देखो इस वक्त ये एक ऐसा वक्त है नेपोलियन के आने के बाद कि लोगों को काम दिख रहा है, पैसा दिख रहा है हर जगह पे। इधर भी नेपोलियन ने रेस्ट्रिक्शन हटा दी, ये भी कर सकते हो, ठीक है, उधर इंडस्ट्री लग रही है वो भी कर सकते हो, अब कोई टैक्स नहीं है जो आपको फालतू का देना है, तो कुछ भी कर सकते हो। लोगों का ध्यान किधर है, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने में। तो इस दौरान पे अगर कोई नेशनल यूनिटी की बात सोच रहा है, अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें हमारे पूरे राष्ट्र को एकत्रित करना है, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वाली वीडियो पे जाइए, अगर वो कोई सोच रहा है तो वो केवल एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो लोग जो लिबरलिज्म चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं जो अभी भी लिबरलिज्म के बारे में सोच रहे हैं। अब लिबरलिज्म क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 5 मार्क में आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, लिख के रख लो, इसका एक क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आता है, और इस बार भी आएगा, क्योंकि इसके बिना पूरा आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग है ना, वो अधूरा है, और फ्रांस का फ्रेमिंग तो बिल्कुल अधूरा है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं अगले लेक्चर का, और वो इंट्रोडक्शन है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था। देखो लिबरल शब्द पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है। लिबर, LIBER, लिबर का मतलब है, लिबर इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब है फ्री, आजाद, फ्रीडम, ठीक है। टॉपिक है फ्रीडम ऑफ नेशन, ठीक, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क है, ये आता है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, पीछे लास्ट ईयर के सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, मेरे लाइव सेशन में मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आके देने वाली हूँ बहुत जल्दी। थोड़ा सा सोच रही हूँ एक आज चैप्टर पहले फिनिश कर लूँ, आपका सिलेबस थोड़ा रन करा दूँ, उसके बाद लाइव सेशंस पे आऊँ। तो लाइव सेशंस में मैं आपको जब सैम्पल पेपर दिखाऊंगी बच्चों, तब आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है कि लिबर वर्ड का क्या मतलब है। तो लिबर वर्ड का मतलब है फ्री, मैं फिर से बोल रही हूँ, लिबर वर्ड का मतलब है फ्री, दिमाग को चिपका लो, ठीक। 1 मार्क क्वेश्चन है, इसके लिए बार बार कॉपी किताबें मत खोला करो, ये जब सुन रहे हो एक बार में समझ रहे हो तभी ध्यान में रखो, लिबर मतलब फ्री, आजादी, ओके। अब लोगों को आजादी चाहिए थी उस वक्त इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, और इकोनॉमिक स्फेयर में आजादी मिलने से एक बना एक्ट, दैट वाज जुल्वेरियन यूनियन, एक यूनियन बन गई जिसका नाम था जुल्वेरियन यूनियन, जो कि बहुत फेमस हुई, जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है अपनी पिछली वीडियोस में भी, और लास्ट वीडियो में तो बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया है, थोड़ा बहुत इसको समझाया भी है। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक मतलब पैसा,
मतलब मार्केट, लोगों को चाहिए था कि उनको मार्केट में काम करने की पूरी आजादी। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल आप समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें, मुझे इक्वालिटी दो जैसे सब है वैसी मैं हूँ, राइट टू वोट वुमेन्स का, अगर मैन को राइट टू वोट है मुझे भी राइट टू वोट हो, तो ये पॉलिटिकल आजादी है। लोगों ने अपने अपने फील्ड में, ना सिर्फ अब केवल ये नहीं मांगा कि मुझे काम दे दो या मुझे जमीन दे दो या मुझे वोट दे दो, एक चीज पे फोकस नहीं था। लिबरलिज्म नेशनलिज्म जब लोगों के दिमाग में आई, ये कॉन्सेप्ट जब एजुकेटेड लोगों ने उठाया तो उन्होंने सारे स्फेयर में उठाया, हर जगह अब उन्हें लिबरलिज्म चाहिए, हर जगह उन्हें आजादी चाहिए, और उसके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। सो स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए क्लास 10th, ये चीजें नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। और वैसे तो मुझे दो बातें आपको क्लियर करनी है, एक तो मेरे पास बच्चों की कंटिन्यूअस शिकायत आ रही है कि मैम पिछली वीडियो जो छूट गई है वो कैसे देखनी है, तो वेरी सिंपल, आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पर क्लिक करो, वहां पे क्लास 10th की हिस्ट्री में जाओ, जितने भी लेक्चर आज तक बने हुए हैं हिस्ट्री के मिल जाएंगे। सिविक्स के बारे में चाहिए तो वही प्लेलिस्ट में क्लास 10th की सिविक्स का एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करो, आपकी सिविक्स से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक इस तरीके से आप पढ़ सकते हो पिछली वीडियोस को। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज की पीडीएफ की जो मैं बात कर रही हूँ बन रही है, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, बहुत जल्द, मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 दिन में मैं आपको आपके नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैंने ये सोचा है कि अलग अलग लेक्चर पे, वीडियो लेक्चर्स पे जाके नहीं दूंगी, एक ही जगह दे दूंगी सारे नोट्स, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको, वहीं पे भी पीडीएफ भी आपको, लिंक भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से मिल जाएगा। सो किसी बात की चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो आराम से, ठीक है, लेक्चर समझते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, 99 मुझे दिलवाने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव, बाय।